मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसकी जिंदगी बदल गई, क्राइम से निकल के उसकी जिंदगी टोटली बदल गई, और वो एक ही चीज ने किया है, स्पोर्ट्स। अखिलेश जी, मुझे बताइए कि वो इंसान जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी, प्रोफेसर विजय बारसे, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? नहीं सर जी, उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ पे। और चलिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रोफेसर विजय बारसे। आई आई, बैठिए बैठिए बैठिए, अखिलेश जी बैठिए। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपने तो इतनी बड़ी तब्दीली लाई अखिलेश के ज़िंदगी में, और आप हमारे मन में, हम सब के लिए इतने बड़े हीरो बन गए। मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं नागपुर की एक रिनाउंड कॉलेज हिस्लप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर रहा, तो ऐसे एक दिन यूनिवर्सिटी के काम से मैं जाने निकला, बारिश थोड़ी तेज हो गई तो एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। जब मैं बाहर देख रहा था उसी समय पीछे कुछ और भी आवाज़ आ रही थी। जब पीछे पलट के देखा तो पीछे कुछ बच्चे प्लास्टिक की फूटी बकेट को फुटबॉल समझ के किक कर रहे थे, बड़े तल्लीन थे उसमें वो। तो पहले तो मैंने उन्हीं को एक फुटबॉल ले आके दिया। अच्छा, उन्हीं बच्चों को? तो बड़े खुश हो गए और उनसे पूछा कि क्या आप मैच खेलोगे? हाँ, हाँ, तो उनको और क्या चाहिए, मैच खेलने का मौका मिल रहा। तो 2 बजे का समय उनको दिया गया, लेकिन उन ग्राउंड पे 12 बजे से ही आ चुके थे। और फिर 2 बजे जब मैंने उनको मैच खिलाई तो मुझे लगा कि ये जो बच्चे यहाँ पे है अपने पास में, तो इतने देर तक ये लोग कोई किसी गलत बात में नहीं है, कोई ना तो बीड़ी पी होगी, ना सिगरेट पिया होगा, ना शराब पी होगी, ना चोरी किया होगा, कुछ नहीं किया। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि ये लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, और ये गलत काम से, ये गलत काम से बच रहे हैं। तो एक टीचर और क्या दे सकता है। और मैंने फिर मेरे दोस्तों को बोला कि यार क्यों ना हम इसको एक अच्छे टूर्नामेंट का रूप देंगे। तो मुझे बताइए, पहले टूर्नामेंट में कितने टीम्स आए आपके? हमने रोक दिया था कि 32 टीमें अपन लेंगे, लेकिन हमको 128 टीमों पे आके रोकना पड़ा। 128 टीमें, और ये आप सिर्फ नागपुर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टूर्नामेंट। और पूरे स्टेट में आजकल मतलब महाराष्ट्र स्टेट का अगर आप देखें तो कितने टीम्स हैं, झोपड़पट्टी टीम्स कितनी हैं? अभी तो 2,500 टीमें होगी। 2,500? जी हाँ। और नेशनल लेवल पे कितनी टीम्स हैं देश भर में ऐसे? 15 स्टेट हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। क्या बात है बादशाह साहब, आपने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है, और मुझे यकीन है कि हजारों नौजवानों की जिंदगी में इससे एक पॉजिटिव असर, एक तब्दीली आ रही होगी। आपने हम सबको एक दिशा दिखाई है कि जिंदगी बदल सकते हैं आप किसी इंसान की एक गेंद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई आई।